वेलकम स्टूडेंट्स टू फिजिक्स टॉनिक। मैं अमित सर, कैसे हैं आप? आज हम क्लास 12 के सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस को कंटिन्यू करेंगे और एक और मजेदार टॉपिक पढ़ेंगे जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में। क्लास 12 है बेटा, खूब मजे से पढ़ाई करिएगा, साथ साथ एक अच्छी मेहनत करके एक अच्छा रिजल्ट को भी बनाने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं आज इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। नाम से समझ में आ रहा है, इक्वी मतलब इक्वल पोटेंशियल वाली सरफेस। कैसे? हमने एक सोर्स चार्ज या कोई भी चार्ज लिया, इसके आसपास एक फील्ड, एक सरफेस बनाई है। इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड निकल रही है। क्या कंडीशन होना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस ऑलवेज परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। परपेंडिकुलर जाएगी तो ही इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम मानेंगे। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रॉसेस ओवर ईच अदर। दो कोई भी सरफेस एक दूसरे से क्रॉस नहीं कर सकती। थर्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजर टुगेदर इन द रीजन स्ट्रॉन्गर। मतलब जो सरफेस पास पास है वहां स्ट्रॉन्गर फील्ड बनाएगी हो, और जो दो सरफेस दूर दूर है वो बहुत वीकर फील्ड बनाएगी। नेक्स्ट, नो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इट मींस अगर यहां कोई भी हम दो पॉइंट्स मान ले ए और बी, और यहां पे कोई भी एक क्यू जीरो मींस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम ए से बी तक ले जाएंगे, तो यहां पे चार्ज को मूव करने के लिए कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। अब अगर ऐसा है तो इस कंडीशन को यहां पे सेटिस्फाइड करके देखते हैं कैसे वर्क डन यहां पे नहीं आएगा। सो सी, आई एम कंसीडरिंग हियर अ फील्ड अराउंड अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0 displaces from A to B on an equipotential surface. By the definition of potential, क्या समझाया था? Potential equal to work done in bringing a charge. यहां पे charge कितना है? Q0. और A और B दो point है, तो हम कह सकते हैं इनका potential difference अगर बात करी जाए, so VA minus VB हो जाएगा, और वर्क डन कितना होगा? डब्ल्यू ए बी ए, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, सो बी ए, और ए भी ले लो आप। अब अगर मैंने बोला इफ ए एंड बी पॉइंट्स लाइज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर ये दो पॉइंट इक्विपोटेंशियल पे है तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। So, अगर सेम हो जाएगा तो VA इक्वल टू VB हो गया, तो डिफरेंस ही नहीं होगा, और डिफरेंस नहीं होगा सो VA माइनस VA, इट्स VA नाउ, वर्क डन हो जाएगा। एंड व्हाट इज VA माइनस VA? जीरो। सो ये यहां पे यहां लाइन प्रूफ हो गई दैट नो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई भी वर्क डन यहां नहीं करना पड़ेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए किसी चार्ज को मूव करने के लिए। तो एक छोटा सा लॉजिक है, बहुत काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में। इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो सरफेस जहां पे पोटेंशियल कैसा होता है बेटा? सेम होता है, बराबर होता है। अब इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ाया था, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये जो ई निकल रही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे, इन दोनों में क्या रिलेशन है? So, एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहां पे एक लॉजिक को करते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? दिस इज योर मेन टॉपिक हियर। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? These points are very important. You have to by heart. This may be in your conceptual part in your examination. Now see, to understand this, I am considering here two plates. Any plates you considering here, whatever be the area, but the separation between this is very small r. So r ke respect mein thoda sa hum displacement ya manenge dr with the separation between the plates. And the plates are A and B. What is the potential of VA? BV. और जैसे ही ये R इन दोनों के बीच में बढ़ता रहेगा, dr 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 displace करके, so potential में change आता रहेगा।
सो वी माइनस डीवी, डीवी इज द स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द प्लेट्स डी आर, बिकॉज वी नो दैट वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर जितना जितना बढ़ता जाएगा उतना पोटेंशियल के अंदर क्या आता जाएगा बेटा, चेंज आता जाएगा। सो डीवी द स्मॉल चेंज इन द पोटेंशियल। नाउ सी आई एम कंसीडरिंग हियर इट इज अ चार्ज प्लेट और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है ए टू बी, और एक चार्ज डिस्प्लेस कर रहा हूं मैं छोटा सा बी टू ए। सो वर्क डन करना पड़ेगा ना बी टू ए। सो यहां पे एक रिलेशन इन लॉजिक से जनरेट करनी है आपको। सो सी जो आपके पास है उसी लॉजिक को बनाओ। पहला लॉजिक क्या था, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ये चीज बता चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन के बराबर, क्लियर। सो इसी को यूज करते हैं। नाउ सी वी ए का पोटेंशियल कितना माना हमने, वी माना, सपोज करा, सो इट इज वी। अब वी बी का पोटेंशियल कितना माना, V माइनस डीवी। जब ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे तो V माइनस वी प्लस डीवी इट कैंसिल। सो वर्क डन आपके पास आ गया है डीवी के बराबर। सो व्हाट इज मीन वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम B प्लेट टू A इज इक्वल टू देयर चेंज इन पोटेंशियल। सो ये हमने किससे, बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस से लॉजिक बना लिया। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसी को लेके के चलो, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बहुत आसान लॉजिक है, इंपॉर्टेंट भी है। क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बट सी द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई के रिस्पेक्ट में क्यू जीरो की डायरेक्शन कैसी है बेटा, अपोजिट है। सो यहां पर क्या लग जाएगा, माइनस, और यूनिट पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है, वन। इट मीन्स ई इक्वल टू माइनस एफ और एफ इक्वल टू माइनस ई, ये लॉजिक आपको यहां मिल गया। इससे हमको तो वर्क निकालना है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क, देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट हियर, डी आर, एंड व्हाट इज एफ इक्वल टू हियर, माइनस ई। Therefore, work done equal to minus E dot dr। ये दूसरी आ गई रिलेशन, किससे आई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। दोनों को इक्वेट कर दो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, हियर ऑल्सो वर्क, हियर ऑल्सो वर्क, माइनस E dot dr equal to dv, ये याद रख लो रिलेशन। या कह सकते हो इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर, माइनस उधर चला गया और डी आर नीचे आ गया। दिस फैक्टर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, माइनस डीवी अपॉन डी आर। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। जितना डी आर बढ़ता जाएगा पोटेंशियल में चेंज आता जाएगा, और यू ऑल्सो नो दैट E is also inversely proportional to R or R square। So यहां भी आपको मिलेगा electric field intensity की value R के respect में भी reduce होगी between the two plates, and this two plates behaves like an equipotential surfaces। ये equipotential surface जैसी behave कर रही है। So क्या important logic आया, E equal to minus dV upon dr, dv upon dr shows the potential gradient which shows that small displacement causes the drop in the potential and reduces the value of E here also। Equipotential surface ke bich mein separation badhta jayega to in dono mein jo electric field ban rahi hai bahut weaker ho jayegi, aur iske pehle isko pehle point ko humne dekh bhi liya hai। So ek relation hai, exam oriented, bahut important hai। अब ये जब दो टॉपिक हो गए तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो सीबीएसई में पूछा जाता है, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा। सो एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको मैं करवा रहा हूं, ध्यान से देखना क्वेश्चन। ये आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, यहां पे मैंने तीन पॉइंट्स रख दिए, मन से रखें, इट्स नॉट लाइक दैट कंपलसेशन। ए बी एंड सी, तीन पॉइंट्स आप बना लिए मैंने। ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है,
ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है। अब क्या दिख रहा है साफ साफ कि ये जो बी और सी पॉइंट है ये परपेंडिकुलर हो गए, सो ये परपेंडिकुलर ई के रिस्पेक्ट में हुए, मतलब ये बी और सी पॉइंट्स कहां लाई कर रहे हैं, बी एंड सी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस में, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाई गई है। क्वेश्चन ये है आपको, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड सी पॉइंट्स, आपको ए और सी पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस को यहां पे आपको बनाना है। कैसे करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, सबसे पहले बेटा बात कर लेते हैं फॉर्मूला कंसेप्ट की। व्हाट इज द फॉर्मूला कंसेप्ट हियर, ये वाला फॉर्मूला माइनस ई डॉट डी आर इक्वल टू डी वी, यही निकालना है पोटेंशियल आपको, और ई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपको 5 × 10³ न्यूटन पर कूलम, ये आपको भी गिवन है, सो आपको डी आर निकालना है। सी बेटा सबसे पहले देखो ये ए और बी दो पॉइंट है अलोंग हो गए, सो हम इसको डी आर कंसिडर कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, ये दोनों पॉइंट तो फिक्स है, जो इन दोनों में डिफरेंस होगा वही इन दोनों में होगा, तो लॉजिक क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट्स ए एंड बी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट्स ए एंड सी, जो इनमें अंतर होगा इनमें, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स फिक्स है। सो ये नहीं पता है, इसको निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ए बी क्या होगा अंडर रूट ऑफ दिस हाइपोटेन्यूस ए सी स्क्वायर माइनस बेस बी सी स्क्वायर, सो 5² - 3² 25 - √16 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। सो ई आपको गिवन है, हाँ, डी आर आपने पता लगा लिया, हाँ, आप बस इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर इसको पुट कर लो, जैसे आप इसको पुट करते हो तो आपका डीवी इज द चेंज इन पोटेंशियल और द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट्स एसी निकल आएगा, क्योंकि हमने बोला है ए बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही एसी का होगा, क्योंकि बी और सी डिस्टेंस फिक्स कर दिए इसके अंदर। सो देयरफॉर डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, व्हाट इज ई, 5 × 10³ 4 सेंटीमीटर 4 × 10⁻², 5 × 20 -20 और एक 0, तो कितना आ गया आपका डीवी, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इज -200 वोल्ट। सो वेरी इजी फॉर्मूला, यू जस्ट डायरेक्टली अप्लाइड, यू गॉट योर आंसर। सो ऐसे क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला कंसेप्ट साथ बेसिक लॉजिक्स भी आपको बनाने हैं कि ये पॉइंट फिक्स है तो ये और ये का पोटेंशियल इक्वल माना जाएगा। नेक्स्ट करते हैं इसके आगे बात, छोटा सा न्यूमेरिकल था है। अब बात आती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाद, इक्विपोटेंशियल सरफेस को पढ़ने के बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताएंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पिछले टॉपिक में पिछले वीडियो में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को बहुत डीपली पढ़ा दिया है, और वो कुछ नहीं था, फॉर्मूला कंसेप्ट भी सिखाया था, 1/4π0 चार्ज डिवाइड बाय रेडियस, और बोल दिया था पोटेंशियल वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, आर जितना पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे चार्जेस के बीच के दूरी तो पोटेंशियल रिड्यूस होगा। बट एनर्जी हम हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट को याद करना, क्या होता है बेटा, पहले से आप पढ़ते आए हो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, सो व्हाट इज वर्क डन, पोटेंशियल इन टू चार्ज, ये आपको याद करना है, और दिस वर्क डन स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्लास 11 में पढ़े थे ना, वर्क डन स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लाइक दैट हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए वर्क डन उसकी एनर्जी में बदल जाता है, एंड यूज द सिंबल ऑफ एनर्जी, सो फॉर्मूला होगा पोटेंशियल इन टू चार्ज। अब अगर बेसिक बात करी जाए तो इसका लॉजिक कैसे बनाना है आपको, सी हियर, एक चार्ज बेटा आपने फिक्स कर रखा था, ठीक है, और दूसरे चार्ज को मैं कोई पी डिस्टेंस पे क्यू जीरो मान लो, बाय चांस कहां से ला रहा हूं, इंफिनिटी से ला रहा था, कहां से ला रहा था, इंफिनिटी से ला रहा था, और इंफिनिटी से जब किसी पी पॉइंट पे यहां आ जाएगा तो
तो क्या होगा, ये दोनों एक फिक्स पोजीशन पे आ जाएंगे, और फिक्स पोजीशन मैंने क्या मान ली, बाय चांस आर मान ली। सो बेटा वी का पोटेंशियल कितना है, इसका खुद का पोटेंशियल, इसका खुद का पोटेंशियल कितना है, 1/4πε0 क्यू बाय एंड द सेपरेशन दैट पॉइंट इज आर। बट अगर एक और चार्ज को लिया आया, सो अब नया चार्ज के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूला, यू हो जाएगा पोटेंशियल इंटू दैट न्यू चार्ज। जब इसकी वैल्यू आप इसमें पुट कर दोगे, फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 क्यू क्यू जीरो बाय आर। दिस इज योर स्मॉल लॉजिक और स्मॉल फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड द यूनिट इज हियर जूल। इसकी यूनिट वोल्ट आती थी और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, जूल। सो बेटा याद रख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में वर्क डन करते हैं इन्फिनिटी से पॉइंट के लिए, कहां पे, उसकी डिजायर्ड लोकेशन के लिए। तो जब भी आप वर्क डन करते हो इन्फिनिटी से किसी चार्ज के लिए, उसके डिजायर्ड लोकेशन पे लाने के लिए, सो वर्क डन स्टोर हो जाता है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो इसका पोटेंशियल कितना है, 1/4πε0 क्यू बाय आर, और इन्फिनिटी से क्यू जीरो चार्ज को लिया है पी पॉइंट पे, तो पोटेंशियल इंटू दैट न्यू चार्ज इज इक्वल टू वर्क, एंड वर्क स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, यू इज द सिंबल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जस्ट पुट द वैल्यू वी हियर, यू गॉट द फॉर्मूला 1/4πε0 क्यू क्यू जीरो बाय आर। जो भी चार्जेस हो आपको यहां रखना है और डिवाइड बाय आर, इट मीन्स यू ऑल्सो वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का लॉजिक, बट हमने क्या पढ़ना है, सिस्टम ऑफ चार्जेस। दो है, टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए एंड थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए भी है। सो दो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए बात कर लेते हैं पहले, कि टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे आप बना सकते हो। बहुत आसान है बेटा, अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए आपको पढ़ना है तो आपको इस टाइप का लॉजिक्स आपको क्रिएट करना पड़ेगा। सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस के सिस्टम की हमको बात यहां करनी है। तो ध्यान से देखते हैं, पहले वही Q1 रखा, इस Q2 को मैं इंफिनिटी से कहां पे लेके आया, P पॉइंट तक, इसकी दूरी हमने मान ली R12। 12 मतलब 1 और 2 चार्ज के बीच की डिस्टेंस। नाउ सी हियर ऑल्सो Q1, ये अपना पोटेंशियल सेट कर देगा। सो व्हाट इज द पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 कितना होगा, सिखा चुका हूं, V रहने देते हैं इसको, 1/4πε0 Q1 बाय R12। दूरी तो फिक्स है भैया P पॉइंट तक के लिए, ठीक है। अब दूसरा, जब मैं इंफिनिटी से किसी चार्ज Q2 को P पॉइंट पे ले आऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क, और दोनों सेम चार्जेस होंगे तो बोलते हैं वर्क डन अगेंस्ट या वर्क डन बाय चार्ज Q2 अगेंस्ट Q1। मतलब Q2 चार्ज को ला रहा हूं तो किसके अगेंस्ट ला रहा हूं, विरोध, भैया भैया कहीं ना कुछ तो अपोज करेगा ये चार्ज, किसके अगेंस्ट कर रहा हूं, Q1 के रिस्पेक्ट में। तो क्या आपका डेरिवेशन आएगा, जरा देखो, सिंपल फॉर्मूला आपको सिखाया है उसी को याद करना। क्या सिखाया है, वर्क होता है पोटेंशियल इंटू चार्ज। व्हाट इज द न्यू चार्ज हियर, Q2। सो Q2 के लिए वर्क डन कितना मान लेते हैं, W2। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, जैसे आप पहली की वैल्यू दूसरे में पुट करते हो क्या मिल जाएगा आपको, इसका वर्क डन पोटेंशियल है 1/4πε0 क्यू बाय R12 इंटू व्हाट इज द न्यू चार्ज, Q2। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, एंड दिस वर्क डन स्टोर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। सो फॉर्मूला हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस।
सिंपल था लॉजिक, इसको एक बार दो बार आप देखोगे ध्यान से तो लॉजिक सबका बन जाएगा। ये स्टार बना लेता हूं, इक्वेशन काम आएगी मुझे, ये वाली भी काम आ सकती है, ये वाली भी। अब अगर ये दो चार्ज के सिस्टम को हटा के तीन चार्ज लगा दिए जाए तो क्या चेंज आएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, और ये भी आसान एक लॉजिक आपका बन सकता है। सो नाउ वी आर डीलिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। नाउ सी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कंसेप्ट तीन चार्जेस के लिए, Q1, Q2, Q3। अब बेटा मैंने माना कि ये दो चार्ज तो पोजीशन पे पहले ही फिक्स थे, R12 में अभी करके यहां दिखा चुका हूं, ये इसका फॉर्मूला भी है। अब थर्ड चार्ज को मैं कहां से ला रहा हूं वापस, इंफिनिटी से मैंने माना P पॉइंट पे ला रहा हूं, और P पॉइंट पे कितना चार्ज रख दिया है मैंने, Q3। तो इन दोनों का सेपरेशन हो जाएगा R13 और इसका हो जाएगा R23, 1 3 2 3। तो ये वाला तो भैया मेरे पास पहले से ही पोटेंशियल और वर्क था, अब मुझे किसको कार्य करके लाना है, इन्फिनिटी पी पॉइंट को Q3 चार्ज पे लाना है। तो भैया वर्क डन कितना होगा, W3। क्या होगा, हम इन्फिनिटी से पी पॉइंट को Q3 चार्ज को लाएंगे और वो किसके अगेंस्ट कार्य करेगा, ड्यू टू बोथ Q1 एंड Q2। सो वर्क का फॉर्मूला आपको कितनी बार पढ़ाया मैंने, पोटेंशियल इनटू चार्ज, अब दोनों का पोटेंशियल लगेगा यहां, सो फॉर्मूला अगेन क्या होगा, इलेक्ट्रो स्टेटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज किसके कारण, Q1 एंड Q2 मल्टीप्लाइड बाय द न्यू चार्ज, एंड व्हाट इज द न्यू चार्ज हियर, Q3। जस्ट पुट द वैल्यूज, फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 कॉमन ले सकते हो, Q1 चार्ज हो गया, Q1 भैया इससे कितनी दूरी पे है, R13 प्लस Q2 कितनी दूरी पे है इससे, R23 इंटू न्यू चार्ज, व्हाट इज न्यू चार्ज Q3 है। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला ही होता है, कितनी बार पढ़ाया मैंने, 1/4πε0 Q/R, यहां दो थे तो 1/4πε0 कॉमन ले लिया, और Q1/R13, Q2/R23। नाउ इंट्रोड्यूस चार्ज हियर इन बोथ, 1/4πε0, क्लियर, Q1, Q3, R13 प्लस Q2, Q3, R23 इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P अगेंस्ट द पोटेंशियल ऑफ Q1 एंड Q2। अब बेटा ये है W3 और ये पुराना वाला क्या था, W2। सो टोटल वर्क डन कितना आएगा, टोटल वर्क डन इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, कि W1 तो खुद का पोटेंशियल ही हो गया, अकेला कोई कार्य नहीं करता, ठीक है। सो हम क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों को जस्ट ऐड करना है आपको, सो ये कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 R12, इसका तो निकाल चुके हो, और इन दोनों का कितना आया, प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23। इन सब में 1/4πε0 कॉमन आ गया, 1/4πε0, सो Q1 Q2 R12 प्लस कौन से बचे टॉपिक, Q2 Q3 R13 Q1 Q3 R13 Q2 Q3 R23। दिस इज द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फॉर थ्री चार्ज के सिस्टम के लिए, ठीक है। सो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, दो आए तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, यू एनर्जी रख देना, तीन आए तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, 1/4πε0 Q1 Q2 R12 Q1 Q3 R13 Q2 Q3 R23। बहुत आसान है,
Q1, Q2, R12, Q1, Q3, R13, Q2, Q3, R23, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन बाहर ले लो, फॉर्मूला आ गया। सो ये थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। एक न्यूमेरिकल और करवा देता हूं इसके ऊपर, सो एक आपको एक आइडिया जनरेट हो जाएगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उसमें क्या लॉजिक बना सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से पढ़ाई करोगे, एक एक टॉपिक देखोगे, सो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन देखता हूं मैं आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां देखा है मैंने। टू पॉइंट चार्जेस है ये, ठीक है, टू चार्जेस दे रखे हैं, बुक ले लेता हूं हाथ में मैं। टू चार्जेस है, क्वेश्चन देखना है ना, टू चार्जेस है यहां कैप्ट एट पॉइंट ए एंड बी सच दैट, पहला चार्ज दे रखा है बेटा प्लस 15 म्यू सी और दूसरा चार्ज दे रखा है प्लस 9 म्यू सी कैप्ट एट 18 सेंटीमीटर अपार्ट। क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, कैलकुलेट वर्क डन व्हेन बी चार्ज मूव्ड 3 सेंटीमीटर टूवर्ड्स ए। बी चार्ज जब 3 सेंटीमीटर आगे खसक जाता है तो उसके ऊपर अब आपको क्या निकालना है, इसका वर्क डन निकालना है। सो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे क्वेश्चन करेंगे, लॉजिक देख लेते हैं। पहले ध्यान से देखें बेटा सभी, पहले आप दो पॉइंट रख दें ए और बी, चार्जेस की वैल्यू भी आप रख दें 15 म्यू सी और 9 म्यू सी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों 18 सेंटीमीटर दूरी पर रखे थे, अब बी खसक के कहां गया, ए के पास, नई दूरी इसने क्या मान ली बी डैश, और 3 सेंटीमीटर खसका है तो ये बची कुची दूरी कितनी होगी, ऑब्वियस 15 सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये पहले वाली दूरी थी आर वन और ये नई वाली दूरी कितनी हो जाएगी आर टू। फॉर्मूला क्या है आपके पास, बोलो, वर्क डन का फॉर्मूला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 I2 माइनस R1। क्या समझ में आया, Q1 Q2 दोनों में कॉमन था, फाइनल डिस्टेंस क्या है I2, इनिशियल डिस्टेंस क्या है R1। सारी वैल्यू आपको यहां समझा दी मैंने कि चार्जेस कितने हैं Q1 Q2 ये हैं, फाइनल डिस्टेंस कितनी है R2 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 × 10⁻²⁻ मीटर, और R1 पहली कितनी थी 18 सेंटीमीटर, 18 तो जाएगा 18 × 10⁻²। जस्ट पुट दिस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, व्हाट यू गेट, व्हाट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 9 × 10⁹। Q1 Q2 व्हाट इज Q1, 15 म्यू मतलब माइक्रो 10⁻⁶। व्हाट इज दिस 9 × 10⁻⁶, 1 अपॉन, व्हाट इज R2, 15 × 10⁻², माइनस 18 × 10⁻²। बच्चे गलती कर देते हैं फाइनल और इनिशियल मानने में, जो पहला था 18 R1 है, खसक क्या गया तो R2 हो गया फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल R2 माइनस R1। नाउ सिंपली सॉल्व, बहुत आसान है सॉल्व करने का तरीका, मैं एक एक लॉजिक को क्लियर करने के बाद ही न्यूमेरिकल्स को पढ़ाता हूं। नाउ सी, नाउ दिस इज 6 6 12, 9 × 15 × 9, 10⁹9, 10⁻², क्लियर। ये माइनस टू ऊपर गया बेटा, माइनस टू ऊपर गया तो हो गया 100/15, माइनस 100/18, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको आपस में, ये कट गया 9 × 15 × 9, 10⁻³, तो हो गया 1800 माइनस 1500, और 15 × 18 होता है 270, 270 करके देखना। नाउ सॉल्व दिस, 9 × 15 × 9 × 10⁻³ मल्टीप्लाई दिस, यू गॉट 300/270, कैंसिल, 3 की टेबल में 10 बार जा रहा है और 9 बार,
9 अगेन कैंसिल, 10 की पावर 1 एंड -3 भी कैंसिल. सिंपली सॉल्व अकॉर्डिंग टू योर मेथड. 9 × 15 = 135 एंड यहां पे 1 और 3 कैंसिल हो गया तो -2. आंसर मेरा आ रहा है 1.35 एंड वर्क डन है तो आंसर कितना आएगा? जूल. वेरी इंपॉर्टेंट और ये शायद 2014 या 16 के अंदर भी आया हुआ प्रश्न है. तो ऐसे सिंपल से फॉर्मूला बेस्ड आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए जो फॉर्मूला रख के सॉल्व हो रहे हैं. सो सिंपल फॉर्मूला याद रखो, पोटेंशियल का 1/4π0 q1 q2 / r दो है तो r2 - r1, 1/r2 - r1. सो बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला कंसेप्ट यू कैन इजिली सॉल्व अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द वर्क डन इन मूविंग और ब्रिंगिंग चार्ज. ये दो सिस्टम ऑफ चार्जेस का हुआ, बट ये दोनों सिस्टम एयर में रखे हुए थे. अब मैंने अगर बोला कि दोनों सिस्टम ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हूं तो लॉजिक थोड़ा सा बदल जाता है. ध्यान से देखोगे तो एक और लॉजिक आ जाएगा और ऐसे क्वेश्चन आपको जज करना पड़ेंगे कंडीशंस के आधार पर. जब तक हम कंडीशन नहीं रखेंगे हमको समझ में नहीं आएगा. सो मैं बोल रहा हूं आपको कि टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें. तो अगर आपको वर्क डन पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करोगे? छोटा सा लॉजिक बना लेते हैं, ध्यान से देखना. ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज योर सेंटर. ये ए पॉइंट पे मैंने Q1 चार्ज लाया हूं. कहां से लाया हूं? इंफिनिटी से. और R1 पोजीशन वेक्टर पे इसको सेट कर दिया. ऐसे बी पॉइंट पे Q2 चार्ज लाया हूं. कहां से लाया हूं? वापिस बोल दो. इंफिनिटी से लाया हूं. और कहां पे सेट कर दिया? R2 पोजीशन वेक्टर. नाउ समझ में आ गया आपको, O से A तक Q1 चार्ज को लाया हूं कितने दूरी पे? R1. और O से B तक Q2 चार्ज को लाए हैं. कहां से लाए हैं? R2 पोजीशन वेक्टर. सो पोजीशन वेक्टर के लिए यहां वेक्टर लगा दो. तो हम कह सकते हैं, सिंपल बताओ मुझे, पहले लाया हूं मैं Q1 चार्ज को और इसको मैंने यहां सेट कर दिया A पे. सो ये किस में कैसे वर्क डन होगा? तो बोल देंगे वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी एट पोजीशन वेक्टर R1 इज वर्क का फॉर्मूला क्या सिखाया था? पहला वर्क पोटेंशियल इंटू चार्ज. तो बेटा इसको ऐसा लिखते हैं V1 R1 और क्या चार्ज लेके आ रहे हो? Q1. थोड़ा समझना, V1 R1 और V2 R2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है एट R1 एंड R2 पोजीशन. V1 R1 V2 R2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है कैप्ट एट पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2. इसको इस तरीके से लिखा जाता है. तो फॉर्मूला हो गया वर्क इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज. सिमिलरली कर दो, इंफिनिटी से कहां लाएंगे? अब ए पे ला रहे थे यहां, और यहां पे कहां लाएंगे? बी पे लाएंगे. और कितने पोजीशन वेक्टर लेके आएंगे अब? बोलो बेटा I2. तो वर्क डन हो जाएगा पोटेंशियल V2 I2 पे ला रहे हैं और किस कौन से चार्ज को ला रहे थे? Q2. अब जब ये आके यहां सेट हो गए तो मैंने बोला ना जैसे सेट हो जाते हैं एक फाइनाइट दूरी मिल जाती है और दूरी क्या होगी? R1 2. ये दोनों आप पर सेट हो गए और यहां से कहीं भी मैंने क्या दे दिया आपको? एक सोर्स चार्ज से एक्सटर्नल फील्ड दे दी. क्या दे दी? एक्सटर्नल फील्ड दे दी. तो इसका इंफ्लुएंस इन दोनों चार्ज पे लगेगा तो भैया नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी? जैसे ही Q1 Q2 यहां सेपरेट हो गए, ध्यान से देखना, जैसे ही Q1 Q2 R1 दूरी पे सेपरेट हो गए तो ये वर्क डन करेगी. वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट किसके कारण? Q1 के कारण. सो वर्क का फॉर्मूला अब पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में कितना होगा? 1/4π0 Q1 Q2 और दोनों की फाइनाइट दूरी कितनी आ गई? R1 2. सो लॉजिक याद कर लो बेटा, जब फाइनाइट डिस्टेंस मिल जाती है चार्ज स्टेबल हो जाते हैं इंफिनिटी से, सो उसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाती है. नहीं तो हम कैसे लिखते हैं इसको? पोटेंशियल इंटू चार्ज. पोटेंशियल इंटू चार्ज इक्वल टू वर्क डन. ये थर्ड आ गया आपका.
सो टोटल वर्क डन कितना हो गया, टोटल वर्क डन W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, तीनों को मर्ज कर दो और ये वर्क डन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी। क्या था फॉर्मूला, V1 R1 Q1 प्लस V2 I2 Q2 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ये फॉर्मूला आ गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर टू सिस्टम ऑफ चार्जेस व्हेन इट इज कैप्ट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आए तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है और इसके ऊपर एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स भी दिए हैं सॉल्व करने को। सो आसान है, थोड़ा समझना। इन्फिनिटी से क्यू वन पे लाए, वर्क का फॉर्मूला पोटेंशियल इंटू चार्ज। इन्फिनिटी से क्यू पे लाए, क्यू टू पे लाए, पोटेंशियल इंटू चार्ज। दोनों के लिए जब स्टेबल हो गए तो पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, और आपका तीनों वर्क डन को जोड़ने पे ये वाला फाइनल फॉर्मूला लगेगा। तो बेटा बहुत मेहनती कॉन्सेप्ट है, आप धीरे धीरे मेहनत करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठते जाएंगे। नाउ इनके ऊपर एक एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल दिया है, मैं वो भी डिस्कस करना चाहता हूं। वो और कर लोगे तो उससे एक आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के लॉजिक्स में कैसे आपको न्यूमेरिकल्स को बनाना पड़ता है। तो ध्यान से देखना बेटा, एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं अपन और देखते हैं कि ये लॉजिक को कैसे उसमें वेरीफाई करा जाता है। जब तक हम न्यूमेरिकल्स नहीं लगाएंगे आप डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते। तो एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है मेरे पास, देखते हैं। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्वेश्चन बड़ा है, उसने दो चार्जेस दे रखे हैं, 7 म्यू सी दे रखा है और माइनस 2 म्यू सी दे रखा है, क्लियर। और इसको एक्सटर्नल फील्ड में बता दिया है कि ये दोनों एक्सटर्नल फील्ड में रखे हुए हैं और एट कहां रखे हैं, माइनस 900 सेंटीमीटर एंड प्लस 900 सेंटीमीटर। आपको क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन करना है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है आपको। दूसरा सवाल इसमें यह दिया है इसके अंदर कि कितना वर्क डन रिक्वायर्ड करना पड़ता है टू सेपरेट टू चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी अवे फ्रॉम ईच अदर। कैलकुलेट वर्क डन इन सेपरेटिंग टू चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी अवे फ्रॉम ईच अदर। इस लाइन को ध्यान से सुनना। थर्ड यहां दे रखा है बेटा आपको, सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस नाउ प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लिया पूरा सेम सिस्टम कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ए इंटू वन अपॉन आर स्क्वायर। ये कंडीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ए की वैल्यू यहां दी है आपको 9 × 10⁵ कूलाम मीटर टू द पावर माइनस 2। अब एक यूनिट पे भी ध्यान देना आप बेटा, कूलाम मीटर टू द पावर माइनस 2। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जब इनकी बनावट कर दोगे तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैसे बतानी है। सो इट्स नॉट एन इजी, डायरेक्टली कुछ नहीं लगेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या इसमें चीजें बोली गई है। एक एक करके मैं समझा सकता हूं आसानी से। देखो पहले वाले सवाल को ढंग से देखते हैं, आपको दो चार्जेस तो क्यू वन क्यू टू मिल गए हैं डायरेक्टली। 7 म्यू सी मतलब 10⁻⁶, क्यू टू दे रखा है माइनस 2 × 10⁻⁶। अब बेटा जब ऐसे कोऑर्डिनेट आ जाते हैं ना तो दोनों के बीच की दूरी लाना आपको पता होना चाहिए कि समझ लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 9, तो मैंने आपको ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट सिखाए। ये माइनस 9 पे रखा होगा, ये प्लस 9, तो टोटल यहां से यहां तक ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी होगी। क्या सिखाया था मैंने, ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, मतलब 9 − −9 मतलब 18 सेंटीमीटर। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूल्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस इन दोनों की इतनी होगी। पर इसमें लॉजिक क्या लगा है उसको देखना जरूरी है।
डिटरमाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इस क्वेश्चन के अंदर दो चीज आपको ध्यान में रखनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब दो चार्ज हमने यहां रख दिए, एक पे क्या रखा है Q1 और एक पे क्या रख दिया है Q2 रख दिया है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, पहला ही कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला सिखाया है बोलो, 1/4πε0 Q1 Q2 और इन दोनों की दूरी क्या ले लें, ए बी मतलब R12 ऐसा ले लो, या दोनों की दूरी R मान लो R। अब बताना दोनों के बीच की दूरी क्या है, 18 सेंटीमीटर। सो यहां R लिख देते हैं अपन, व्हाट इज R हियर, 18 सेंटीमीटर मतलब 18 × 10⁻²⁻ मीटर। सो अब बस लगा दो, 1/4πε0 मतलब 9 × 10⁹9, क्लियर। व्हाट इज Q1, 7 × 10⁻⁶ माइनस ऑफ 2 × 10⁻⁶ डिवाइड बाय 18 × 10⁻²। सो सी हियर, -2 से -6 गया तो -4 बचा, -6 - 4 कितना हो गया -10। और आप इसको इजिली देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो, 9 × 7 माइनस चल रहा, 9 × 7 × 2 × 10⁻⁹ डिवाइड बाय कितना चल रहा है 18। 9 × 9 9 × 2 = 18 2 × 2 अगेन कैंसिल, सो -7 बच रहा है बस, और 9 और -10 गया तो -1 -0.7 जूल आपका आंसर आ गया, कितना आ गया -0.7 जूल। सो फॉर्मूला बहुत आसान था, दोनों के बीच की दूरी का कंसेप्ट याद कर लो आप, तो खाली कि जब ऐसा आ जाए कोऑर्डिनेट कंसेप्ट तो आपको 9 - -9 करना है, तो -+ 18 सेंटीमीटर आ गया, और फॉर्मूले में R आपका 18 सेंटीमीटर रखना है। तो इससे आपका वर्क डन कितना आया, -0.7 जूल। नाउ सी बेटा दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ये पहला क्वेश्चन तो आपका हो गया, ढंग से देख लो, Q1 Q2 दिया था, R हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक्स बनाया फॉर्मूले में रख दिया। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट वर्क डन इन सेपरेशन ऑफ टू चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये पहला वर्क डन आया है आपका, और जो दूसरा वर्क डन होगा ना वो कहां से करना है, इंफिनिटी से करना है। सो वर्क डन काय में स्टोर हो गया बेटा, एनर्जी। ऐसे इंफिनिटी से अगर लाएंगे तो वर्क डन हो जाएगा W2 = U2। अब इंफिनिटी से हमेशा मैंने बताया था कि वर्क डन कितना होता है, जीरो। जब इंफिनिटी से कोई भी वर्क डन करते हो तो कितना माना जाएगा, वो जीरो। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अब वो कॉन्सेप्ट के अंदर आपको समझना है ये चीज। अब आपकी नेट बताओ कितनी होगी, नेट पोटेंशियल एनर्जी इन सेपरेशन ऑफ टू चार्ज, इन सेपरेशन ऑफ टू चार्जेस, तो नेट कितनी होगी बेटा, U2 - U1। अरे फाइनल माइनस इनिशियल, व्हाट इज फाइनल ईयर, 0 - इनिशियल - 0.7 - - प्लस। तो भैया याद रखना, सेकंड वाला केस करा रहा हूं, सेकंड वाला यहां नीचे ध्यान से देखो के जब सेपरेशन करोगे अलग अलग तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इंफिनिटी से कितना हो जाएगा जीरो, और इनिशियल कितना था -0.7, सो -, प्लस। तो आपकी दोनों की सेपरेट में एनर्जी कितनी आती, ओनली 0.7 जूल, ओनली 0.7 जूल। अब आपने 0.7 जूल आपने इसकी दोनों में सेपरेशन कर लिया। सबसे खतरनाक पार्ट ये तीसरा वाला, इसको ढंग से देखना, तीसरा वाला ये, इसकी बात कर रहा हूं, सॉल्यूशन, इसी का सॉल्यूशन समझा रहा हूं। अब नई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, A1/r² बेटा। हमको याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल का लॉजिक लाना है, और वो ये होता है, पिछले चैप्टर में देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, A1/r² इंटू आर कर दो तो क्या आ जाएगा, A/r। तो बताओ इस वाले थर्ड पॉइंट के अंदर पोटेंशियल है कितना, A/r। कितना है पोटेंशियल, A/r।
देखो एक कंडीशन थी E इक्वल टू ए वन अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको तो इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी में इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल का लॉजिक चाहिए, वो था इलेक्ट्रिक फील्ड टू आर, नेगेटिव साइन यहां नहीं यूज होगा है ना, वो अपन वर्क डन में लेते, ये पिछले चैप्टर में सीखा है। तो E की वैल्यू होगी ए वन अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, कैंसिल आर आर, यू गॉट ए बाय आर, क्या मिल रहा है आपको ए बाय आर। अब अपन को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो फॉर्मूला तो भैया अभी सिखाया मैंने दो मिनट पहले, वो था क्या था वी वन आर वन क्यू वन वी टू आर टू क्यू टू प्लस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू आर वन टू, कोई डाउट नहीं होगा। तो बेटा मैंने बोला ना या तो इसको आर मानो या आर वन टू, ये तो ये मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूं, और कितना आया था माइनस 0.7, हमको इसको समझाना है खाली। अब इसको समझा लिया तो समझ लो न्यूमेरिकल ही सॉल्व हो गया, ध्यान से देखोगे तो पूरा के पूरा लॉजिक बन जाएगा, नहीं तो ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट लॉजिक छूट जाएगा। देखो पोटेंशियल कितना हो गया ए बाय आर, पहले की दूरी कितनी है आर की 9, दूसरे कितनी है 9, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको साफ साफ बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको रखना है और R1 और R2 दूरी के अकॉर्डिंग। तो बेटा ये R1 9 है अभी मैंने बताया था और ये भी 9 है, और दोनों से क्या है चार्ज की डिस्टेंस आपको मिल गई, ये Q1 ये 9 सेंटीमीटर, ये Q2 ये भी 9, टोटल कितना है आपको टोटल कितना है 18 सेंटीमीटर दिया था। तो बेटा बस ये लॉजिक को देखो ढंग से, V1 पोटेंशियल कितना है, V1 पोटेंशियल, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल, ईयर मेरे को समझ में नहीं आएगा जब तक आप ये चीज समझ में नहीं पाओगे, हमको ये रखना है ठीक है। तो ये हो जाएगा A बाय आर वन इंटू क्यू वन प्लस A बाय आर टू इंटू क्यू टू प्लस प्लस पुरानी वाली फॉर्मूला एनर्जी वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू, आर ले लो या आर वन टू ले लो उससे कोई दिक्कत नहीं। ये तो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, इसका आंसर कितना आया था, कितना आया था माइनस 0.7, ये वाला, इसको बताना है बस खाली आपको। कैसे बताओगे, ए कितना था 9 इंटू 10 टू दी पावर 5, क्लियर, कितनी दूरी पे था 9 सेंटीमीटर मतलब 0.09 इंटू क्यू वन चार्ज, क्यू वन चार्ज कितना था 7 म्यूसी, देख लो भले से, सो 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं, ऐसे दूसरा करेंगे वापस, ए कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 5, दूरी क्या आएगी वापस 0.09, वो तो माइनस है कोऑर्डिनेट्स है ना, इंटू दूसरा चार्ज कितना है माइनस 2 म्यूसी, क्लियर। इन दोनों के बाहर एक और ये वाला वैल्यू कितनी चल रही है माइनस 0.7। अब इन सबको समझदारी से सॉल्व करना है, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आई होप आपके आंसर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। अब इसमें ये दोनों वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, ये यूनिट भी कॉमन ले सकते हैं, सॉल्व करके देखो इसको अपने दिमाग से कितना आ रहा है, क्लियर। मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, 9 इंटू 10 टू द पावर 5 और 10 टू दी पावर माइनस 6 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 7 डिवाइड बाय 0.09 प्लस माइनस माइनस 2 डिवाइड बाय 0.09 और माइनस 0.7 चली रहा है, ये कट गया आपका 0.9, यहां भी बच रहा है 0.09। जब इसको आप माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 0.09 माइनस 0.7, क्लियर। अब इसके आपको पॉइंट डिस्प्लेस करना है, इसका कर दोगे आप तो ये आ जाएगा 10, इसके कर दोगे आप पॉइंट डिस्प्लेस कितना आ जाएगा 100, वो 100 ऊपर चला गया। अब जरा देखो बेटा ये तो मल्टीप्लाई में था ना, ये 9 से 9 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 इंटू 10 कितना बच रहा है 50 माइनस 0.7, 50 माइनस 0.7, सो आई एम क्लोजर टू माई आंसर, 50 माइनस 0.7
49.3 जूल, एग्जैक्टली आंसर आ गया इसका 49.3 जूल। आई एम क्लोजर टू माय आंसर, थोड़ा सा सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आएगी पर आप समझदार देखोगे तो सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखे फॉर्मूला क्या है, वी वन आर वन क्यू वन वी टू आर टू क्यू 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 टू इंटू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू आर वन टू। ध्यान से देखना V क्या लिखना है लॉजिक, A बाय R, A बाय R, सो A बाय R रखा पहले चार्ज के लिए, A बाय R रखा R1 रखा, फिर A बाय R2 रखा दूसरे चार्ज के लिए। ये R1 है बेटा 9 और ये R2 है और दोनों की क्या है R12 या फाइनल R है, सो वो तो अपन ने 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R12 पहले निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं 0.7 नेगेटिव का। ये आपको याद रखना है 9 इंटू 10 टू दी पावर 5 ए है दोनों में, फिर ये आपका Q1 है ये आपका Q2 है, ये दूरी इसको माइनस मत लेना बेटा, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो ये आपने दोनों लिखी, फिर ये और ये यूनिट, ये और ये यूनिट को कॉमन ले लिया, फिर 7 बाय 0.09 2 बाय 0.09 माइनस 0.7 ये कैंसिल हो गया और ये आपका आ गया 9 इंटू 10 पावर माइनस 1 मतलब 9 बाय 10। ये सॉल्व करा 0.09 कॉमन था बेटा, पॉइंट हटाया तो 100 ऊपर चल गया, 5 माइनस 7 माइनस 2 5 और ये हो गया, मतलब ये 0 0 और ये सब कैंसिल 50 बच गया ऊपर खाली, 50 माइनस 0.7 होता है 49.3 जूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का फेमस है, इस तरीके से करोगे तो ये आपको लॉजिक सॉल्व हो जाएगा। सो मैंने ट्राई करा है कि आपको सिस्टम ऑफ चार्जेस के बहुत सारे क्वेश्चंस को एक बार में या वीडियो में समझा सकूं। अब एक काम कर लेते हैं, एक और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं ताकि आपको इससे रिलेटेड एक नया लॉजिक भी समझा पाऊं, कम समय में इतना समझाना पॉसिबल नहीं है फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन सिस्टम ऑफ चार्जेस के ऊपर, देखना बेटा आराम से देखना, ढंग से देखना, समझना जब तक समझ में नहीं आया। एक क्वेश्चन ऐसा है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, इस पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, इस पे प्लस टू क्यू रखा है, इस पे प्लस थ्री क्यू रखा है। अब जब मैं इन सब की दूरी एल है, अब जब मैं ए को शिफ्ट करके नई पोजीशन ए वन पे ले आया, बी को शिफ्ट करके बी वन ले आया और सी को शिफ्ट करके सी वन ले आया, तो मेरे पास एक और नया ट्राइंगल यहां बन गया। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन ये है कितना वर्क डन करना पड़ेगा, क्वेश्चन ये है कितना वर्क डन करना पड़ेगा इन शिफ्टिंग पॉइंट्स ए वन बी वन सी वन इन न्यू लोकेशन, कितना कार्य करना पड़ेगा इस ए वन बी वन शिफ्ट सी वन को इसके न्यू लोकेशन पे लाने के लिए। मतलब ए आपका भैया ए वन पे चला गया, बी बी वन पे चला गया, सी सी वन पे चला गया और अभी आपकी ए बी सी की दूरी एल थी, तो जब ये आधी दूरी आएगी तो बताओ ये एल वन एल वन एल बाय टू हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा एल बाय टू, ये भी क्या जाएगा एल बाय टू। मतलब अगर मैंने बोला ए ए वन की दूरी बी बी वन की दूरी सी सी वन की दूरी तो मैं सब कितना कर दूंगा इसको हाफ। तो जब चेंज करना होता है ना बेटा तो हम चेंज को एनर्जी के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं। ध्यान से देखना इस वाले न्यूमेरिकल्स को भी आसानी से कर दोगे, पहले इनिशियल एनर्जी इनिशियल पोजीशन की निकाल लेते हैं, फिर फाइनल एनर्जी फाइनल पोजीशन की निकाल देते हैं और दोनों को क्या कर देते हैं माइनस। देखो ध्यान से, पहले मैंने इनिशियल एनर्जी बताई, फॉर्मूला क्या था वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों के बीच की दूरी, ये दो चार्ज ले रहे हैं अपन, क्या है चार्ज एक क्यू है दूसरा प्लस टू क्यू, मैं ब्रैकेट लगा देता हूं प्लस टू क्यू, दोनों की दूरी कितनी है एल, दूसरा चार्ज क्या है टू क्यू और माइनस थ्री क्यू, सॉरी ये माइनस है, ये समझना सी पे रखा चार्ज माइनस थ्री क्यू है, तो प्लस टू क्यू माइनस थ्री क्यू दूरी कितनी है एल प्लस, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3q और q माइनस 3q q दूरी कितनी है l, सिंपली सॉल्व कर लो इसको और आपको आंसर मिल जाएगा इसका, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ये हो जाएगा 2q स्क्वायर, ये हो जाएगा -6q स्क्वायर, ये हो जाएगा -3q स्क्वायर। ये हो गया 9, माइनस का 9, माइनस का 9 में से 2 गया तो माइनस का 7, सो 1/4π ε0, ये माइनस आप यहीं लिख दो समझ में आ जाएगा, -7q² / L। ये आपकी इनिशियल एनर्जी आई इनिशियल पोजीशन पे। अब जब इसको शिफ्ट कर दिया तो न्यू या फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? अब इसको कहां शिफ्ट कर दिया? A1 B1, और इसको कहां शिफ्ट कर दिया? C1। तो डिस्टेंस हाफ हो गई, मतलब ये फाइनल था, ये आपका इनिशियल पोजीशन था। तो हम कर देंगे वापस 1/4π ε0। चार्जेस तो वही रहेंगे, q + 2q, बस दूरी हाफ हो जाएगी, 2q - 3q L/2, -3q q L/2। क्लियर? सॉल्व कर देते हैं बेटा, न्यूमरेटर तो वही आएगा 1/4π ε0, 2q² - 6q² - 3q² L/2। तो कुछ नहीं करना है, ऊपर तो 7 था, L/2 के कॉन्सेप्ट को ले जाना था, तो हो जाएगा 1/4π ε0 -7q² L/2। सो ये 2 कहां चला गया बेटा? ऊपर। तो 7 2 से कितना हो गया? 14। तो आंसर आ गया 1/4π ε0 -14q² / L। यह आई आपकी फाइनल एनर्जी, और ये कितनी है आपकी इनिशियल एनर्जी, ये रही। अब अपन क्या करते हैं, दोनों में चेंज निकालते हैं। चेंज कैसे निकाला था अभी? फाइनल माइनस इनिशियल। तो बेटा जब इसको शिफ्ट कर दोगे तो नई एनर्जी में चेंज क्या आएगी? देयरफॉर न्यू एट न्यू लोकेशन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू देयर वर्क डन। ये वाला अपने को शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस निकालना था, तो चेंज कितना हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो भैया फाइनल कितना है? 1/4π ε0 -14q² / L माइनस, ठीक है, क्या कर देंगे? 1/4π ε0 -7q² / L। दिस माइनस माइनस प्लस, सब चीज कॉमन आ गई, 1/4π ε0 q² / L, -14 + 7 -7, आंसर आ गया -1/4π ε0 -7q² / L। दिस इज योर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और द न्यू वर्क डन इन शिफ्टिंग द चार्ज एट देयर न्यू लोकेशन। ए को A1 पे लाओगे, बी को B1 पे लाओगे और सी को C1 पे लाओगे। ये भी आपका 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चंस की आपको स्टडी करनी है, और ऐसे क्वेश्चन के जब आप मेहनत लगा लोगे तो एक बहुत बहुत हेल्दी आपका कंसेप्ट जनरेट हो जाएगा। सो इन छोटे छोटे सेक्शंस के अंदर हमने पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को अच्छे से डील करा है, और साथ साथ हमने एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को भी चेक करा है कि एग्जाम में अगर ऐसे आते हैं तो हमको कैसा इसमें लॉजिक्स को लगाना है। थोड़ी सी आप अगर मेहनत बढ़ाओगे बेटा तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपके साथ में निकल को आ जाएगा। अब अगर हम बात करें कि एक छोटा सा क्वेश्चन में और आपको समझा सकूं तो मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करता हूं। एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं और इस पूरे वीडियोस को यहां पे ऑफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे बनाने की कोशिश करते हैं। सी एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक, वो भी फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन अगर आप करोगे छोटा सा तो आप आराम से इस पूरे लॉजिक्स को यहां समझ पाओगे, ठीक है, और आप थोड़ा अगर होमवर्क वर्क भी करना चाहते हो तो करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी 2015 का, एनसीईआरटी 2015 क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल था, अब यहां स्क्वायर है, ए बी सी डी, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, और ये आपको इसका डायगोनल दे दिया है, और ई पे एक और नया चार्ज रख दिया है Q0।
सभी के इसकी साइड यहां फिक्स कर रखी है कि डी है, मतलब एसी और बीडी डायगोनल की लेंथ होगी, लेंथ ऑफ डायगोनल हो गया है अपने को, वो अपन ऐसे निकाल सकते हैं रूट टू डी से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर इन द अरेंजमेंट। पहला ही करते हैं, फाइंड वर्क डन इन पुट चार्जेस टुगेदर इन अरेंजमेंट, कितना कार्य करना पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन है, अ चार्ज Q0 एट सेंटर फोर चार्जेस, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क डन नीडेड एट सेंटर E पे Q0 रख दिया है तो कितना हाउ मच वर्क डन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा इस सेंटर पे Q0 चार्ज रख दिया हो तो थोड़ा सा आपको इसमें लॉजिक बनाना है बेटा। मैं आपको ट्रिकली कंसेप्ट से इसको सिखा देता हूं और आप देखना इसको बहुत अच्छे से इसको समझ जाओगे। सबसे पहले आपको देखना है कि अब ट्राइंगल था अब स्क्वायर है, आज कोई नई पोजीशन नहीं है, सिर्फ वर्क डन समझाना है। सो देखो इसमें समझ में आ गया कि ए बी तक की डी है, सबकी डी डी है और ये है, तो हमको ये डायगोनल की डिस्टेंस भी कॉन्सेप्ट में यूज करनी होगी। तो अगर मैं बोलूं पहला क्वेश्चन, टोटल वर्क डन इन पुटिंग चार्जेस अलोंग स्क्वायर इज, सो वर्क का फॉर्मूला क्या सिखाया था, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले मैंने ए और बी पे रखे चार्जेस को देखा, एक प्लस है एक माइनस, सो इसको रख दोगे क्यू माइनस क्यू और दूरी कितनी है डी। ध्यान से देखना, पहले हमने ए बी की बात करनी है, फिर ए सी की बात करनी है या ए डी की बात करनी है। अब ए डी की देख लो, ए डी ये कितना बात कर रहे हैं अपन ए बी के लिए, ठीक है। फिर प्लस ए पे रखा चार्ज कितना है प्लस क्यू, इस पे रखा चार्ज कितना है वापस माइनस क्यू, दूरी आ जाएगी डी, ये किसकी बात कर रखी है ए डी की बात हो गई। फिर ए से टच कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है ए सी, और ए सी क्या है बता दिया, लेंथ ऑफ डायगोनल है, इसकी दूरी क्या रखनी है रूट टू डी, तो ये हो जाएगी प्लस क्यू क्यू, क्योंकि दोनों पे डायगोनल पे प्लस ही चार्ज है और दूरी आ जाएगी रूट टू डी, ये ए सी के लिए हो गया। आ गया तीन पॉइंट समझ में। फिर बी से बढ़ा दो, बी सी, बी और सी पे भी प्लस माइनस चार्ज है, मतलब डायगोनल पे प्लस आना चाहिए बाकी सब पे नेगेटिव आएगा। देखो अब देखो ध्यान से, प्लस प्लस क्यू माइनस क्यू डी, प्लस फिर किससे बढ़ा दो बी डी, बी डी क्या है लेंथ ऑफ डायगोनल, अगेन क्या आएगा माइनस इंटू माइनस, माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू प्लस क्यू रूट टू डी, प्लस फिर क्या बढ़ा देंगे सी डी, फिर क्या बढ़ा देंगे सी डी, तो ये हो जाएगा वापस प्लस क्यू माइनस क्यू डी। ये बेटा कौन सा हो गया, ये हो गया बीसी के लिए, ये हो गया बीडी के लिए और ये हो गया सीडी के लिए। ध्यान से देखो मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी और सी डी, पूरा स्क्वायर कवर हो गया और आपका वन अपॉइंट फोर पाइप चार डिवाइड बाय डिस्टेंस का लॉजिक आ गया। अब इसमें जरा देखो इन प्लस माइनस को सॉल्व कर लो, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर बाय डी, माइनस क्यू स्क्वायर बाय डी प्लस क्यू स्क्वायर बाय रूट डी, माइनस क्यू स्क्वायर बाय डी प्लस क्यू स्क्वायर बाय रूट टू डी माइनस क्यू स्क्वायर बाय डी। क्या कॉमन ले सकते हैं, पूरा पूरा माइनस क्यू स्क्वायर डी को क्या ले ले बेटे कॉमन ले लो, और जैसे ही कॉमन लोगे क्या मिलेगा माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो डी, क्लियर। और जैसे इसको कॉमन ले लिया वन क्या बचा वन प्लस वन माइनस वन बाय रूट टू
प्लस वन, माइनस वन बाय रूट टू प्लस वन, एक दो तीन चार, माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो डी, फोर माइनस क्या हो गया वन बाय रूट टू प्लस वन बाय रूट टू. क्लियर? व्हाट इज वन बाय रूट टू प्लस वन बाय रूट टू? माइनस क्यू डिवाइड बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो डी, फोर माइनस टू बाय रूट टू. क्लियर? टू बाय रूट टू, टू को कैसे लिख सकते हैं? टू को लिख सकते हैं माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो डी, फोर माइनस रूट टू इंटू रूट टू डिवाइड बाय रूट टू, कैंसिल. आंसर कितना आया? माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो डी, फोर माइनस रूट टू. ये आ गया पहले का आंसर आपका. कितना वर्क डन करता है इन ब्रिंगिंग द फोर चार्जेस टुगेदर इन द अरेंजमेंट इज माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो डी, फोर माइनस रूट टू. ये आपका आया पहला इसमें लॉजिक. जब हमने सारे सिस्टम देखा, कुछ नहीं, एक दो तीन चार और दो डायगनल, सभी में डी रखना है, डायगनल में कितना रखना है? रूट टू डी. डायगनल की दूरी में प्लस आएगा, बाकी सब में माइनस, तो माइनस क्यू स्क्वायर डी कॉमन ले लो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट सेंटर ई पे अगर क्यू जीरो रख दोगे चार्ज तो क्या होगा? देखो ये चार्ज फिक्स हो गए, और जब दूसरा चार्ज यहां रख रहे हो तो ये अपना पोटेंशियल शो करेगा इस पे, ये अपना पोटेंशियल शो करेगा इस पे, ये अपना पोटेंशियल शो करेगा इस पे, और ये अपना पोटेंशियल शो करेगा इस पे. तो मैंने आपको क्या सिखाया था? सेंटर पे, केंद्र पे तो आंसर जीरो आना चाहिए. देखो यहां आंसर जीरो ही आएगा. सेकंड क्वेश्चन का लॉजिक यहां बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखना. वर्क डन इन प्लेसिंग क्यू जीरो, ये प्लस क्यू यहां लिख देता हूं, चार्ज एट सेंटर केंद्र पे. बेटा बहुत आसान लॉजिक है, देखो वो किसके बराबर होगा? वापिस पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ फोर चार्जेस एट कॉर्नर्स इंटू चार्ज एट सेंटर. चारों का पोटेंशियल इंटू चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल इंटू चार्ज. सो चारों भैया कॉर्नर्स पे जो रखे हैं चार्जेस, उनका पोटेंशियल इंटू द न्यू चार्ज एट सेंटर इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन एट द पॉइंट ई हो जाएगा. कैसे होगा बेटा? जरा ध्यान से देखना, थोड़ा सा आपको लॉजिक बनाना है और कुछ नहीं करना. नया चार्ज तो क्यू जीरो है सर, चारों का पोटेंशियल बता दो, इंटू है ना चार्ज. पोटेंशियल, पोटेंशियल फॉर्म में क्या है? वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो. क्या है चार्ज? प्लस क्यू. और दूरी क्या है यहां से यहां तक? बेटा ये दूरी आ जाएगी, ये पूरी लेंथ ऑफ डायगोनल कितनी थी? डी रूट टू. इस डी रूट टू का आधा कर दो आप तो क्या हो जाएगा? डी रूट टू बाय रूट टू इंटू रूट टू. तो आंसर आ गया डी बाय रूट टू. तो बताओ मुझे के ओ ए, इसको ओ मान लू या ई मान लिया ना, ए कितना हो जाएगा? ए. अब यहां से डिस्टेंस को हटा देते हैं. अब बताओ ए या बोल दें बीई या बोल दें सीई या बोल दें डी, कितनी हो जाएगी? डी बाय रूट टू. अब यहां से यहां तक की दूरी क्या लगानी है बेटा? डी रूट टू नहीं लगानी है, क्या लगानी है? डी बाय रूट टू. क्योंकि डी रूट टू तो क्या है? पूरी डिस्टेंस है. इसका क्या कर दिया अपन ने? यहां से यहां तक आधा लगा लिया, डी बाय रूट टू. तो हो गया डी बाय रूट टू. प्लस दूसरा चार्ज कैसे रखा बेटा? माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो माइनस क्यू डिवाइड बाय डी रूट टू. प्लस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, नेक्स्ट चार्ज अगेन क्या है? प्लस क्यू डिवाइड बाय डी रूट टू. और एक और चार्ज कितना हो जाएगा? प्लस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो माइनस क्यू डिवाइड बाय डी रूट टू. क्लियर? यहां से आता डी रूट टू डी रूट टू डी रूट टू डी रूट टू, प्लस माइनस प्लस माइनस. बेटा प्लस माइनस कैंसिल. सो नेट वर्क डन कितना आ गया सेंटर पे? जीरो. तो बस प्लीज थोड़ा सा यहां ध्यान रखना है आपको कि नेट वर्क डन जीरो सेंटर पे कैसे बताना है.